राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी 99 पे आके अटका दिया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के इंडिया के बाहर भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं, ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे। आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। राहुल गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी 99 पे आके अटका दिया, और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया, वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के इंडिया के बाहर भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ करे। उनको नहीं मालूम है आरएसएस जब इनकी दादी 71 का पाकिस्तान से लड़ाई था उस समय आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। दादा वो कह रहे कि इंडिया आरएसएस ये मानता है कि इंडिया की एक ही सोच है, एक ही विचार है, जबकि हम मल्टीपल सोच पर बिलीव करते हैं। राहुल गांधी को मैं बार बार कह रहा हूँ, आरएसएस को समझना इस जन्म में तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आरएसएस भारत की संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है। अगर भारत के संविधान को प्रधानमंत्री माथे पर नहीं लगाते, और आज तो राहुल गांधी जैसे लोग जो देश को बदनाम करने के लिए ही आए हैं, तीसरी बार में भी भारत की जनता ने नकार दिया, 99 सीट पर लाके अटका दिया, तो आज राहुल गांधी भारत की निंदा करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए ये जेल में होते हैं।